गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मानसी सिन्हा भारतीय ज्ञान मंदिर चीफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ इंग्लिश चैप्टर 7 क्लास 1। आज आप लोगों का चैप्टर का नेम है द प्रिंसिपल सेपरेट वर्ड। ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बोर्ड पर मैंने वर्ड भी नहीं लिखा है, जो भी डिफिकल्ट वर्ड भी नहीं है मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप ये इस वर्ड मीनिंग को देख लें। ये आपका जो वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है इसमें हम आपको स्नैप लेके आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आपको ये आपके ग्रुप में चला भी जाएगा। मैं आपको स्टोरी पढ़ाऊंगी। हमारा लेसन है द मिस्चीवस शेपर्ड बॉय। मिस्चीवस का मतलब होता है शरारती और शेपर्ड का मतलब होता है चरवाहा। बॉय का मतलब लड़का, मतलब शरारती चरवाहा लड़का। अबाउट द लेसन, अबाउट द लेसन में आज मैं बताऊंगी आपको क्या है। दिस इज द लेसन ऑफ मिस्चीवस एंड द लायर बॉय। यह पार्ट जो है वो एक शरारती झूठे लड़के का है। हाउ ही गोज हार्म टू हिज पेट बिकॉज ही लाइज। वो अपनी झूठ के कारण अपने पालतू जानवर को कैसे नुकसान पहुंचाता है। बीस वुड स्पीक द ट्रूथ एंड अवॉइड सच काइंड ऑफ मिस्चीफ। इस कहानी में बताया गया है कि हम लोग को हमेशा सच बोलना चाहिए और हम लोग को कभी शरारत नहीं करना चाहिए। देयर वॉज अ शेपर्ड बॉय नेम्ड मोहन। इसमें एक चरवाहा है जिसका नाम मोहन है। He used to take care of his master से। He took them to the pasture near the forest every day। इसमें बताया गया है कि वो अपने मास्टर का जो भेड़ था वो अपने पास के जंगल में लेके जाता था डेली। He master had told him to call someone for help if a wolf attack। वो बोला, उसका मालिक बोला, अगर कभी भी भेड़िया का अटैक हो तो आप आस पास में किसी को अपने हेल्प के लिए बुला सकते हैं। वन डे ही वाज बोर्ड। एक दिन की बात है कि वो मतलब अपने आप को बोर फील कर रहा था। ही थॉट ऑफ हैविंग सम फन। वो सोचा कि आज हम कुछ मस्ती करें। तो ही क्राइड अलाउड। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। बोल से क्राइंग अवे अ स्लीप। वो चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। सम फार्मर देयर वर्किंग नियर बाई। कुछ किसान जो थे वहीं पे आस पास काम कर रहे थे। दे हियर द क्राई, दे कम रनिंग टुवर्ड्स हिम। जब वो उनकी आवाज़ सुने तो वो उस मोहन के पास आए। बट व्हेन दे रीच देयर, जब वो वहाँ पहुँचे, दे सॉ नो वुल्फ। जब वो वहाँ पहुँचे तो कोई भी भेड़िया को उन्होंने नहीं देखा। तो वेयर इज द वुल्फ, दे आस्क्ड। वो किसान जो थे वो पूछे, कहाँ है भेड़िया। तब वो लाफ एंड रिप्लाई। तब वो जो मोहन था वो हंसने लगा और जवाब दिया, देयर इज नो वुल्फ, इट वाज जस्ट अ जोक। वो बोला कि यहाँ पे कोई भी भेड़िया नहीं है, बस हम मजाक कर रहे थे। आफ्टर सम डेज द फार्मर हियर द सेम क्राई। उस दिन के बाद फिर किसान ने सेम आवाज ऐसे ही चिल्लाने की सुनी, वुल्फ वुल्फ, मतलब भेड़िया भेड़िया। व्हेन दे रीच देयर, दे सॉ मोहन लाफिंग। जब वो वहां पहुंचे तो वो देखे कि मोहन हंस रहा है। They were very angry and went back to their work. वो बहुत ही गुस्सा हुआ, फिर वो अपने काम की ओर लौट गए। One day a wolf came and really went after Mohan sheep. एक दिन की बात है कि मोहन के पास सच में भेड़िया आ गया। मोहन got frightened and shouted for help. Wolf, wolf, he cried. मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया है, भेड़िया है, भेड़िया है। Oh, the boy has already fooled us twice. किसान सोचे कि ये लड़का हम लोग को दो बार ऑलरेडी पहले से ही मूर्ख बना चुका है। ही कैन नॉट हैव अनदर चांस। वो मोहन को दूसरा चांस अपने आप को मूर्ख बनाने का नहीं देना चाहते थे। देयर फॉर नो वन केम टू हिज हेल्प एंड द होल ट्राइब वन ऑफ द शीप अवे। और उसकी मदद करने कोई नहीं पहुंचा और भेड़िया भेड़ पे अटैक कर दिया। इस कहानी से हम लोग को यही सीख मिलती है, कभी हम लोग को झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और हमें कभी भी अपनी मस्ती के लिए किसी और का फायदा नहीं उठाना चाहिए। थैंक यू।